तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी यार, क्या हाल चाल है आप सबके। बड़े दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ एक्चुअली वैक्सीन लगवाने। और अभी तक हमारी फैमिली में किसी ने वैक्सीन लगवाई नहीं है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट चांस कि मैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। और आगे जो मैं आपको चल के सेंटर में दिखाता हूँ कि वैक्सीन लगवाने का क्या प्रोसीजर और किस तरीके से वैक्सीन्स लग रही हैं। बहुत सारे रूमर्स हैं कि वैक्सीन्स जो हैं वो फेक है, नकली है, या उसमें कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चल के वैक्सीन लगवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह में अगर कुछ आता है तो। GBS 2 नंबर कहाँ पे है? 2 नंबर इधर से ही। सो यार, अंदर स्टाफ ने हमें फोटो खींचने से मना कर दिया था, इसलिए हमने अंदर की कोई फोटो जो है वो नहीं ली है। एक वैक्सीनेशन की कुछ एक क्लिप थी जो मुझे किसी ने भेजी थी, और उसने मुझे ये बोला था कि इसमें डाउट है कि यहाँ पर जो है वो वैक्सीन ये लोग प्रॉपर जो है इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपको सिर्फ सुई चुभाते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हो रही है, लेकिन ये वैक्सीन जो मैंने अभी लगवाई है इसको मैंने खुद देखा है कि प्रॉपर इंजेक्ट करते हुए। तो यार ऐसे किसी भी रूमर्स में मत पड़ो, किसी भी सुनी सुनाई बातों पे या ऐसी वीडियोस पे मत जाओ। अपनी वैक्सीनेशन लगवाओ और जितनी जल्दी हो सके लगवाओ यार, क्योंकि इस टाइम अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो वैक्सीनेशन इज द ओनलीस्ट वे कि जिससे आप उसको हरा सकते हो। बाकी उसके अलावा तो आप प्रिकॉशंस जितना मर्जी ले लोगे, लेकिन जिस तरीके का ये स्प्रेड चल रहा है आप इसकी चपेट में ज़रूर आओगे। ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद तो यार अब पता चलेगा इसके बाद कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आता है क्या नहीं। साथ में उन्होंने मुझे पैरासीटामोल की गोली दे दी है, वो भी अगर फीवर आता है तो लेनी है, उसके अलावा वो नहीं लेनी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और हाँ यार, वैक्सीन ज़रूर लगवाओ।